हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कली, हियर नेक्स्ट सिनेरियो इज 27। इन दिस सिनेरियो वी विल लर्न हाउ टू स्पीक वर्क डन इन पास्ट और यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड वी कैन से दैट हाउ टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करें, या वह कार्य जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं उनके लिए हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, उन सेंटेंसों को कैसे बोलें। इसमें आता है जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अगर वो कार्य पास्ट में पूरे हो गए हो, वो काम पूरे हो गए हो और उन कार्यों को समाप्त हुए, एक दिन, दो दिन, दस दिन, पांच दिन, पचास दिन, दो साल, पांच साल या बीस साल या उससे ज्यादा समय हो गया हो, तो हम उनको बताने के लिए क्या करते हैं, वो किस सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है वह नाम, वह काम, वह काम जिसे पूरा हुए काफी समय हो गया हो, वह काम जिसे पूरा हुए काफी समय हो गया हो, उसको बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको काफी समय हो गया हो, जो काम डेली करते हैं लेकिन हमने कर लिया था वो काम, और उस काम को किए हुए बहुत समय हो गया हो, काफी समय हो गया हो, दो दिन, दस दिन, एक महीना, एक साल, पांच साल, दस साल, तो उसको बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने इस अफर्मेटिव में लिखा, रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, यानी कि काफी समय हो गया मुझे दिल्ली गए, या मैं लिख सकता था कि आई वेंट टू दिल्ली इन 2005, मैं 2005 में दिल्ली गया था। ठीक है, माई फादर स्कॉल्डेड मी, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा था, यानी कि डांटे हुए काफी समय हो गया है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, आप डिड आया तो डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, लेकिन जब सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड आ जाएगा तो हम उसके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि डिड क्या है, स्वयं में सेकंड फॉर्म है डू की। ठीक है, डू डिड डन थर्ड फॉर्म डन। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था। माई फादर डिड नॉट स्कॉल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं डांटा। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए थे। डिड योर फादर स्कॉल्ड यू, क्या आपके पिताजी ने आपको डांटा था। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में INS करके मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं गए थे। डिड सी नॉट स्कॉल्ड यू, क्या उसने आपको नहीं डांटा था। तो ये थे आपके सिंपल सेंटेंसेस। अब आते हैं हम WH फैमिली के साथ। यहां पर मैंने कुछ लिखा है, डिड का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट लिखते हैं, DIDN apostrophe T, डिडंट। ठीक है, WH फैमिली का फर्स्ट रूल है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे। व्हेन डिड योर फादर नॉट स्कॉल्ड यू, आपके पिताजी ने आपको कब नहीं डांटा या कब नहीं डांटा था। रूल सेकंड, WH plus did plus subject plus not plus verb first plus object. Why did you not go to Delhi? आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे? When did your father not scold you? आपके पिताजी ने आपको कब नहीं डांटा था? तो ये थे कुछ सेंटेंस बनाए हैं मैंने। रूल आपको लिखा दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली के दोनों रूल आपको लिखा दिए हैं, सब कुछ बता दिया है, कहां डिड का प्रयोग होता है और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करना। आशा करता हूं कि आपने इस सिनेरियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको वह काम जिसे पूरा हुए काफी समय हो गया होगा, जैसे जो काम हम रोज करते हैं अगर हमने उसको कर लिया और उसको हमने वह उसको किए हुए हमको बहुत समय हो गए हैं, ठीक है, काफी समय हो गया है, तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वर्क डन इन पास्ट में उसको लेते हैं। तो ये था आपका सिनेरियो नंबर 27। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो लाइक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब आप मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट सिनेरियो।